माता रानी के दरबार के खुले पर भक्तों ने किया माँ दुर्गा के दर्शन। आपको बताते चले सिमडेगा के कोलेबीरा प्रखंड के रन बहादुर सिंह चौक दुर्गा पूजा समिति पंडालों का पट खुलते ही भक्तों ने माँ दुर्गा के दर्शन। वहीं इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धा के साथ दर्शन किए। वहीं सिमडेगा जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष सिमडेगा लक्ष्मण बड़ाई, नगर उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने कोलेबीरा स्थित पंडालों का दर्शन कर माथा टेक व माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा माँ जगत जननी शक्ति स्वरूपा है, माता रानी सबका मंगल करे। वहीं आपको बता दें इस मौके पर कोलेबीरा मंडल अध्यक्ष अशोक इंदवार, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि चिंतामणि कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेन तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आयोजन स्थल पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर समस्तब्रिज। झारखंड टीम की खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आपको बता दें कि सिमडेगा में 20 से 29 अक्टूबर तक 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा झारखंड में किया जाना है, जिसमें देश के कुल 27 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 20 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता की सफलता पूर्वक आयोजन की तैयारी में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सिमडेगा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर समस्तब्रिज अपनी पूरी टीम के साथ हॉकी स्टेडियम पहुंचकर सुरक्षा के हर हिस्सों का भ्रमण कर अपने कनीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। वहीं खेल स्थल, VVIP की आवागमन स्थल, खिलाड़ियों के आवासन स्थल, भोजन स्थल इत्यादि हर एक इलाके में उन्होंने घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अभ्यास कर रहे झारखंड टीम के खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहन भरे बातें की। वहीं उनके साथ SDPO डेविड टोड राय, हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, सर्जन मेजर खुशी लाल सहित महिला बटालियन की सभी सब इंस्पेक्टर एवं सिमडेगा पुलिस की पूरी टीम मौजूद रही। अखंड भारत न्यूज के लिए बीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।